बांग्लादेश ने इंडिया को 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। हालांकि आखिरी मैच में इंडियन फैंस मायूस नहीं हुए और इसकी वजह थे ईशान किशन। किशन ने सिर्फ 131 बॉल में 210 रन की पारी खेली। क्रिकेट इतिहास में ये सबसे तेज दोहरा शतक है। इस पारी में किशन का साथ विराट कोहली ने निभाया। कोहली ने भी इस मैच में अपना 72वां इंटरनेशनल शतक जड़ा। विराट ने 91 बॉल में 113 रन लगाए। इन दोनों की बैटिंग की मदद से इंडिया ने बोर्ड पर 409 रन चढ़ा दिए थे। ईशान ने अपनी पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए। इस पारी के बाद ईशान किशन के बचपन के कोच ने MS धोनी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। ईशान के बचपन के कोच उत्तम मजूमदार ने बताया कि डेब्यू से पहले MSD ने किशन से क्या कहा था। मजूमदार ने बताया, ईशान के इंडिया डेब्यू करने से पहले ही मैं जानता था कि MS धोनी उनसे कहेंगे कि अगर तुम्हारे जैसा टैलेंट इंडिया के लिए लंबे समय तक नहीं खेलता है तो ये अन्याय होगा, दूसरे किसी पर नहीं पर खुद ईशान पर। मजूमदार ने आगे बताया कि किशन क्रिकेट इसलिए खेल सके क्योंकि उनके भाई ने मेडिकल की पढ़ाई चुनी। ईशान के बड़े भाई राज किशन भी बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर थे। हालांकि उनके माता पिता ने फैसला लिया कि एक लड़का स्पोर्ट्स में जाएगा और दूसरा पढ़ाई करेगा। राज बड़े थे इसलिए उन्होंने बलिदान दिया और मेडिकल डिग्री चुना। मजूमदार ने आगे बताया कि ईशान की शुरुआती ट्रेनिंग कैसी रही। उन्होंने कहा, जब वो पहले दिन ट्रेनिंग करने आए तो वो बहुत छोटे थे। मैंने उन्हें अंडर आर्म बॉल्स डाली और उन्होंने परफेक्ट कवर ड्राइव खेला। जब मैंने एक 6 साल के लड़के को वैसा कवर ड्राइव खेलते देखा, मैंने उनके पिता से कहा, प्रणव जी आपका लड़का स्पेशल है, अगर उसका लक बहुत खराब रहा तभी वो इंडिया के लिए नहीं खेलेगा। तीसरे वनडे में बैटिंग करते वक्त किशन ने 10 छक्के जड़े। इनमें कई पुल शॉट्स और स्लॉग स्वीप शॉट्स थे। इन शॉट्स पर बात करते हुए मजूमदार ने बताया कि ये रातों रात नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, आप वो 10 छक्के देख सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा लड़का इतना पावर कहां से ला रहा है। ये रातों रात नहीं हुआ, महीनों की ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो 2 सेशन में बैटिंग करते थे और दिन के 500-600 बॉल्स खेलते थे। इनमें से कम 200 बॉल्स पावर हिटिंग के लिए होती थी। मैं उन्हें लगातार बड़े शॉट्स खेलने के लिए कहता था, वो तब तक नहीं रुकते थे जब तक सही से शॉट खेल ना लें। ईशान मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मजूमदार ने आगे कहा, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि जो बीत गया उसे भूल जाइए, मेरे लिए पास्ट का कोई महत्व नहीं है और मैं उन्हें यही कहता हूँ। मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित की गैर मौजूदगी में भारत शिखर धवन और ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरा। शिखर जल्दी आउट हो गए लेकिन उसके बाद ईशान किशन और विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट की बेहतरीन साझेदारियों में से एक निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 290 रन की साझेदारी की और टीम इंडिया को 35 ओवर में ही 300 रन के पार पहुंचा दिया। इस दौरान ईशान किशन ने शानदार रिकॉर्ड वाली 210 रन की पारी खेली। दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने 113 रन बनाए। इन दोनों की पारियों की मदद से 50 ओवर में भारत ने 409 रन लगा दिए। बांग्लादेश के सामने 50 ओवर में मुश्किल 410 रन का लक्ष्य था और पहले विकेट के लिए 33 रन की पार्टनरशिप के बाद टीम की मुश्किलें कभी कम ही नहीं हुई। टीम ने लगातार अंतराल पे विकेट्स गवाए और कुल 182 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा स्कोर शाकिब अल हसन ने बनाया। उन्होंने 43 रन की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान लिटन दास 29, यासीर अली 25, वहीं मोहम्मदुल्ला 20 रन बनाकर गए। भारत के लिए गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3, अक्षर पटेल और उमरान मलिक ने 2-2, जबकि सिराज, कुलदीप और वॉशिंगटन ने 1-1 विकेट चटकाए। भारत ने सीरीज का आखिरी मैच भले ही जीता है लेकिन सीरीज 2-1 से बांग्लादेश के नाम हुई। इंडियन टीम इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने वाली है। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।